इस घी में इलाज करने की जबरदस्त संभावनाएं हैं। वह घी ओजस से भरपूर होता है। आमतौर पर ओजस को ऊर्जा का एक भौतिक आयाम माना जाता है। किसी चोट या किसी बीमारी से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस समय केरल में लोग दवा कर रहे हैं और हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर मैं जानता हूं कि इसमें कुछ सच्चाई है। लोगों ने घी को जमीन में सुरक्षित रखा है, उन्होंने उसे धरती में गाड़ दिया और उसे लगभग 100 सालों तक रखा, और ऐसा लगता है कि इस घी में इलाज करने की बिल्कुल जबरदस्त संभावनाएं हैं। इसे शत कहा जाता है। शत का अर्थ है 100 साल, शत वर्ष, शत संवत्सरम घृतम का अर्थ है घी, जिसे मिट्टी के घड़े में 100 साल तक धरती में दबाया गया है। क्योंकि जब घी मिट्टी में 100 साल तक रहता है तो उतने लंबे समय के बाद घी में कुछ आण्विक बदलाव होते हैं, और वह घी ऊर्जा से भरपूर होता है। वह तेजस और प्राण से भरपूर होता है, क्योंकि आखिरकार वात दोष का विशुद्ध सार प्राण है, पित्त का विशुद्ध सार तेजस है, और कफ का ओजस है, और कोशिकीय स्तर पर ओजस तेजस प्राण, ये कोशिकीय मेटाबॉलिज्म क्रिया, कोशिकीय बुद्धिमानी और संचार के प्रवाह को संभालते हैं। प्राण संचार का प्रवाह है, तो कोशिकाओं के स्तर पर ओजस तेजस प्राण ये कोशिकाओं के जीवन को चलाते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। इसलिए 100 साल पुराना घी पुराण घृतम एक्जिमा त्वचा रोगों के लिए सबसे अच्छी दवा है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये पेट के छाले, छालों समेत बड़ी आंत में सूजन, अति संवेदनशील आंत की बीमारी, कई रोगों, यहां तक कि ऑटो इम्यून रोगों को भी ठीक कर सकता है। ये पुराण घृतम श्रेष्ठम ओजस करम परम है, तो ये ओजस को बढ़ाता है। तो ओजस तेजस प्राण, ये तीन महत्वपूर्ण अंश हैं। ये कोशिका के जीवन को बनाए रखते हैं। कोशिका ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकती है। योगिक विज्ञान में आमतौर पर ओजस को ऊर्जा का एक भौतिक आयाम माना जाता है, क्योंकि हर भौतिक चीज अभौतिक से ही आई है। अगर आप ऊर्जा के अभौतिक आयाम का एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, सुरक्षा कवच का मतलब ये नहीं है, मतलब कोशिकीय स्तर पर हर कोशिका का थोड़ा बहुत अभौतिक आयाम हो, यानी उसके चारों ओर एक घेरा हो, वो कोशिका खुद को इतनी तेजी से स्वस्थ कर लेगी, जिसे जादुई माना जाता है। किसी भी चीज से, किसी चोट या किसी बीमारी से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप इतने बीमार ही नहीं होंगे कि आपको बीमार कहा जाए। ये इससे तय होता है कि आपकी जीवन शैली में कितनी अशांति है। अशांति से मेरा मतलब है आप एक अच्छा शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मेरी जीवन शैली अशांत है, मैं फुल स्पीड पर मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो मेरा जीवन सप्ताह के 7 दिन पूरे 365 दिन होता है। कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है। आपको पता है कभी कभी 24 घंटे काम होता है, कभी कभी 18-20 घंटे काम होता है। ये एक अशांत जीवन शैली है। पर आज तक मैंने एक भी कार्यक्रम इस वजह से रद्द नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। पिछले 39 सालों में ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। नहीं, आप जो कह रहे हैं बहुत सुंदर है। तो कुछ मात्रा में ओजस हमेशा आपको सहारा देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं अस्वस्थ नहीं रहा हूँ, मुझे फ्लू हुआ है बहुत बार, ये वो कई चीजें हुई हैं, पर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो मैं फिर भी अपना काम जारी रख पाता हूँ। तो जो आपने कहा वो मुझे एक तरह से दिलचस्प लगा कि ओजस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच इज नॉट फिजिकल। ओजस उस तरह की ऊर्जा है जो भौतिक नहीं है। अगर आप हमेशा उससे घिरे रहें, अगर हर कोशिका उससे घिरी रहे, तो आपकी ठीक होने की क्षमता या भौतिक चीजों के असर से परे जाने की आपकी क्षमता बहुत ज्यादा होगी।